हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में स्वागत है। देखिए जी, अभी जो है 10 बज चुके हैं और घर का जो है हमारा सारा काम हो चुका है। अभी बस ये है कि दोपहर का खाना रह गया है और बस वीडियो एडिटिंग रह गई है। तो अभी अर्णिका मम्मी के साथ शरारत कर रही है। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए जी, मम्मी को परेशान करके रखा इसने और खुद पानी पिया अपने हाथों से, उसमें गिलास से ले। और जी हमारा जो चूल्हा है भी गर्म हो रखा है, थोड़ी देर में लिपेंगे इसे। पानी पी रहे गिलास से है? पी लो। अगर हम गिलास से पियेंगे पानी तो ये भी गिलास से पिएगी। अगर बोतल वगैरह से पी लिया ना, इसके पापा खड़े हो गए वैसे ऊपर से, तो उससे फिर बोतल से पिएगी, ढक्कन से पिएगी बोतल के। सारे गिल्ले हो गए। कुल्ला भी कर रही, गैर लगी और पिएगी। इसका ना मजा आवे। कुल्ला कर रही, कुल्ला। हाँ, पानी नहीं पीती है, कुल्ला कर रहा है। और वो करने ना तोड़ दे 3-4 दिन में ही, ज्यादा उथला फुथला रखकर रखा ऐसे। और इसके पापा चप्पल लेकर आए थे ना, चप्पल पहन के नहीं चलती क्योंकि इसे भारी भारी से लगा है ना, तो नंगे पैर ही फिरे। सारी भीगी, नहाई नहाई करेंगे ना, जा से नहलाओगे बस। अब जा हल्के से गर्म पानी में नहला दे ऐसे हम। चलो फिर नीचे चल रहे हैं। चलो चलो घूम घूम काओ और नीचे आती। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ अच्छा दिखाने वाले हैं। अच्छा यानी कि अपने होम टूर कराने वाले हैं। तो सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कलर वगैरह भी हो चुका है, तो अब अपने घर का होम टूर करा दो जिससे कि एक साथ देखने में अच्छा लगे। तो आज जो है काम वगैरह हमारा सभी हो चुका है, तो नीचे से लेके जो मेन गेट है वहाँ से लेके दोनों कमरे नीचे के और ऊपर के दोनों कमरे, रसोई वगैरह ऊपर शुरू से लेके आखिर तक सबसे ऊपर तक दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा है, छोटा सा आशियाना। तो चलिए जी, बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। अभी चलते हैं नीचे, मेन गेट से शुरुआत करते हैं होम टूर की। तो चलिए जी, हम चलते हैं नीचे, पीछे पीछे मम्मी। ओ भाई, छींक दिया। तो अभी जो है बस फिर मम्मी भी आएगी आराम से। मम्मी बोल रही थी कि तुम ले जाओ इसे, क्योंकि मम्मी पे उतर जाने कैसे लेंगे, दंगा फसाद ज्यादा कर उतरती। तो अभी जो है हम आपको वीडियो में अपना पूरा घर दिखाने वाले हैं, हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको अपना होम टूर कराते हैं। और यहाँ से जो है हमारा मेन गेट है ये वाला, और पूरा भी खुल जाता है। अभी हमने एक खिड़की खोली हुई है, तो यहाँ पे जो है पशुओं की खोर है और इधर भी पशु बंधे हुए हैं। इन्हें दोपहर का घास कर दिया गया है, ऐसा कर देते हैं इन्हें 10-10:30 बजे और 12 बजे भी कर देते हैं कभी कभी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने लगाई हुई है चक्की अनाज पीसने की। अभी जो हमारी चक्की थोड़ी खराब सी हो रखी है, अभी पशुओं के लिए पीस रहे हैं अनाज इसमें, जो मोटा मोटा निकालती है, बारीक नहीं निकालती, मोटा मोटा निकालती है। वैसे हम पिसवा लेते हैं अपने खाने का जो, क्योंकि मैं थोड़ी रुआना बोलते हैं जिसे, इसमें छेद छेद से कर देते हैं ना, तो उससे बड़ी अनाज पिसता है अनाज यानी कि। और ये हमारी घास काटने की मशीन। तो यहाँ पे देखिए, और ये वाला हमारा कमरा जो है भूस का है, इसमें भूस है, साइकिल वगैरह से खड़ी हुई है। इधर अर्णिका और अर्णिका की माजी यानी मम्मी दोनों एक साथ खेल रहे, और इसे पानी पिलाया था और गिल्ली हो गई थी, इसके कपड़े चेंज कर दिए, फिर बाद में इसे नहला देंगे। ए लड्डू, नहाओगे ना आप फिर बाद में? और इतनी मस्ती करने लगी, कुछ पूछो मत। और जी वो कर इसने अपना तोड़ फोड़ के फाड़ भी जाए इधर से देख के। क्योंकि ज्यादा रनिंग कर रही है फिलहाल है। तो अभी जो है चलते हैं कमरे में। यहाँ पे एक चारपाई डाली हुई है, पहले यहाँ पे अनाज की टंकी थी लेकिन अब की बार हटा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे खाली खाली सा हो गया ना, अच्छा लग रहा, पहले भीड़ सी हो रही थी। और ये है हमारा बिजली का स्टेबलाइजर। तो चलिए जी, अभी चलते हैं दूसरे वाले कमरे में। इधर थोड़ा सामान रद्दी का पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी से ना रद्दी वाले को देंगे,
बहुत सारा सामान निकला है। ये पापा का टीवी है और जी ये है यहाँ पे तख्त, और इस पे जो ये है संदूकड़ी सी, इसमें पापा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं जो कागज होते हैं खेत खात के। और अर्णिका की बॉल तूफान में उड़ के यहाँ पे गिर गई थी, हम सोच रहे कहीं चली गई। ये देखिए 10:20-25 हो चुकी है और इस वाले कमरे में सीलन जो है अभी भी बरकरार है, ऐसे ही इतनी मेहनत के बाद भी सीलन नहीं गई है। जब नए मकान बनेंगे जब ही जाएगी सीलन। तो यहाँ पे पापा अपनी दवाई वगैरह रखते हैं, ये चने वगैरह इस चीज़ें। तो चलिए जी ये वाला कमरा हो गया हमारा और अभी चलते हैं ऊपर छत पे। हैं चलो बेटा चलो छत पे, छत पे चलो, पंखा चला दूं? ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, इस वाले टांड पे हमने पुपले लगाए हुए हैं। ये है हमारा जिन्ना यानी कि सीढ़ियाँ, और काफी पुराने मकान बने हुए हैं जी। देखो जब नए बनेंगे तो जब देखी जाएगी, अभी तो पुराने हैं। जैसे हैं अच्छे हैं, घर जो है हमारा अच्छा लगता है हमें। तो ये कमरा हमारा सबसे बड़ा है, ये हो गया हमारा बेडरूम। और जी इसमें जो है इस साइड रखी हुई है सेप, और ये बेड हो गया हमारा। कपड़ा अब की बार हमने उतार दिया जो बेड पे लगा रखा था, और हमने अब की बार एक ही पेंटिंग लगाई है बस, ये रासलीला वाली कान्हा जी की। और ये देखिए जी ये वाला कमरा हो गया। मैं फ्रंट वाली दीवार रेड कलर की और वाइट कलर के दिए हैं, और वाइट कलर की ही जो है हमने छत कर दिया अब की बार। इस वाले कमरे की पेंट था वाइट कलर का, बहुत टाइम लगा इसमें करने में, लेकिन जो है फिर भी अच्छा हो गया। ये हमने अपना फोटो लगाया हुआ है अर्णिका का और हमारा दोनों का। ये अर्णिका जब 21 दिन की थी जब का ये फोटो है, इसके पापा ने खुद प्रिंटर से निकाला था। और जी ये हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल, और जी अच्छा है देखे। और ये हो गए दो हमारे सोफे, ये हमने सोफे दो इसमें डाल लिए हैं, लेकिन बहुत खाली खाली सा और लग रहा, फिर भी भीड़ ना लग रही बिल्कुल भी। हम तो सोचे थे कभी भीड़ सी लगे, और ड्रेसिंग टेबल भी आ गया वहीं पे, मेकअप करने का भी होगा थोड़ा सा, साइड से जगह बच रही, और इधर भी। और ये हमारी LCD, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत TV वगैरह देख लेते हैं। और ये ग्रीन कलर की दीवार, ये भी अच्छी लग रही है। ये देखिए वाइट कलर के डिजाइन होने के बाद इससे अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये हमारा लैपटॉप रखा है, और ये है हमारी गुड़िया की डोर जिसमें हम यानी कि अलमारी जिसमें हम इसके कपड़े रखते हैं। एक में मैं पजामे वगैरह रखती हूँ, एक में इसके ऊपर ऊपर के जो बनियान वगैरह वो रख लेती हूँ। और ये हमारा ट्राईपोड रखा हुआ है, सभी सामान एक जगह सेट है। ये हमारा कमरा है पूरा का पूरा। तो अभी चलते हैं हम किचन में, कपड़े वगैरह धो रखे हैं हमने। ये देखिए जी ये हमारे किचन में बहुत सारे डब्बे हैं, सामान है इनमें हर में। और जी ये इधर बर्तनों का रैक, और RO, और गैस का चूल्हा, और जी ये गैस का चूल्हा है यहाँ पे। तो पूरी किचन हो चुकी है, अभी चलते हैं हम दूसरे वाले कमरे में। और ये हमारी चारपाई पड़ी हुई है यहाँ पे, एक कोई भी बैठ सकता है दोपहर के टाइम। ये हमारी वॉशिंग मशीन, और जी ये वॉश बेसन, ये यहाँ पे शीशा, और ये है फ्रिज यहाँ पे। ये लाइट ऑन कर दी है मैंने, फ्रिज रखा, एक स्टूल रखा है यहाँ पे, और एक सोफ़ा जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है हमने यानी कि। और मेज अभी ऐसे ही खड़ी है क्योंकि यहाँ पे ना हम थोड़ी पेंट कर रहे हैं और डिजाइन बना रहे हैं। ये देखिए 3D वॉलपेपर बना तो दिया है मैंने, मैं ही लगी हुई हूँ, लेकिन थोड़ा सा रह रहा ऊपर से। और इसके पापा ना आज ये दो बना के गए, और यही दो गलत बना दिए, फिर दोबारा से बनाने पड़ेंगे इसमें। तो वैसे देखिए अच्छा लग रहा है, इसके पापा बोले चाहे ऐसे ही रहने दो। तो पेंट इसके पापा बोले कि चलो मैं कर दूंगा जब टाइम तो लगेगा, और जो नहीं उनका टाइम लगा तो मैं ही कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी कमरा खाली सा हो गया है, और कुर्सियाँ रखी हुई है यहाँ पे। तो इधर जो है ये हमारा छोटे वाला रूम, ये देखिए ये पूरे कमरे की ऐसे लोकेशन होगी। और जी ये दूसरा छोटे वाला कमरा है, तो बड़ा ही अभी, लेकिन इसमें दीवार दे दी थी पहले पापा ने, छोटे छोटे दो बन गए थे।
और अभी जो है आ चुके हैं हम इस वाले कमरे में। ये हमारा मंदिर है पूजा का, इसमें रेड कलर का कपड़ा वो रखा है जो उन समय लक्ष्मी पूजा में यूज करती हूँ। ये वो हमारी सिलाई मशीन है, बूफर डब्बे रखे हुए हैं और दो ये डब्बे रख रखे ना मैंने, ये पेंट के डब्बे हैं, इसमें पेंट बचा हुआ है, वाइट है और ग्रीन है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाली भोलेनाथ जी की फैमिली तो मूर्ति है, और ये भी अच्छी लग रही है, ये मुझे गिफ्ट मिले हुए थे शादी में, ये सारे के सारे, ये वाला भी गिफ्ट था। ये वाले मैंने जो गुलदस्ते हैं मैंने खुद लिए थे, ये वाले सभी गिफ्ट में मिले, बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। ये फ्लावर्स हैं जो, ये वाले मैं अपने गांव के मेले में से लेके आई थी, ये वाला भी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था गिफ्ट, मनीषा ने, और जी ये वाला भी दूसरी फ्रेंड ने दिया था गिफ्ट। ये वाली मैं पेंटिंग मैंने खुद ली थी, और ये वाले भी खुद ही लिए थे मैंने। तो यहाँ पे मम्मी पापा के कपड़े रखे हुए हैं, और जी यहाँ पे हमारा छोटे वाला बेड है ये देखिए। तो चलिए जी अभी ये देखिए इस कमरे को भी पूरे, वैसे इतना मस्त कमरा लग रहा ना ये, उस वाले से भी अच्छा लग रहा ये वाला कमरा, और पिंक कलर ना जो इसमें बहुत अच्छा लग रहा, जो अलमारी में किया हुआ है हमने। यहाँ पे मम्मी का संदूक रखा हुआ है और उसके ऊपर अटैच ही है, छोटा सा संदूक है, नाना जी ने दिया था लेकिन अच्छा है, बहुत अनमोल है ये चीज़ें। अभी हम चलते हैं सबसे ऊपर, ये गुलदुफारी है, एक फूल खिला हुआ है इस पर, रोज़ की दो तीन फूल खिल जाते हैं इस पर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दोपहर के टाइम ही खिलता है इस पर फूल, तो अभी अच्छी लग रही है। अभी छोटी सी टहनी लगाई थी, और अभी हम आ चुके हैं सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हम लेटते हैं, कपड़े जो थे बिछोने वगैरह हमने सूखने के लिए डाले हुए हैं, क्योंकि रात ना पानी गिर गया था बोतल में से, तो हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं गद्दे वगैरह। ये हमारा सबसे ऊपर का जो हमारी छत है ये है, और ये ना थोड़े ख़राब खराब से बिछोने अर्निका के हैं, क्योंकि टॉयलेट करती रहे ना, तो यहाँ पर कुछ तूड़ियाँ रखी हुई हैं, इन्हें जला लेते हैं। तो चलिए जी हमारे घर का होम टूर हो चुका है, कूलर रखा हुआ है, गुस्से रखे हुए हैं। फ्रेंड्स हमने आपको अपना घर होम टूर करा दिया है, और जी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा घर कैसा लगा। तो हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।